Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफा जुलेखाज किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन 65। चलिए शुरू करते हैं। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए ये है तकरीबन 500 से 550 ग्राम चिकन हड्डियों के साथ है। चर्बी निकाल ली है मैंने, दो तीन पानी से धो लिया, नेताने 10-15 मिनट के लिए छन्नी पर रख दिया था। अच्छा, आप देख सकते हैं लेग पीस बराबर साबुत साबुत है और उसके आगे पीछे मैंने थोड़ी स्लिट्स मार दी है ओके, मसाला अंदर तक जाए। और बाकी सारे पीसेस मीडियम पीसेस हैं, छोटे भी नहीं है एकदम, बड़े भी मीडियम है। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, मैं आधा छोटे चाय का चम्मच डाल रही हूँ। आधा छोटे चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए, आधा छोटे चाय का चम्मच भुना और पीसा हुआ जीरा पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक या फिर डेढ़ छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मैं डेढ़ डाल रही हूँ। अगर आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो कम डालिएगा, अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। एक छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भरकर, एक या डेढ़ छोटे चाय का चम्मच नींबू का रस, मैं एक डाल रही हूँ, आप नींबू का रस ज़्यादा भी डाल सकते हैं। एक अंडा फोड़ कर डाल दीजिए, दो या ढाई टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए, मैं सवा दो ढाई के बीच में डाल रही हूँ, टेबलस्पून के बीच में, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसे चाहें तो ढक कर बाहर रखें या फिर फ्रिज में भी रख सकते हैं और मैरिनेट करने आधे पौने या एक घंटे के लिए रहने दीजिए। मैं ढक कर इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए साइड पर रख देती हूँ। आधे पौने घंटे के बाद कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए, फास्ट आंच पर गरम कर लीजिए। अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आंच करके वेल कोट करे हुए हमारे जो चिकन के पीसेस है फ्यू एट अ टाइम डालें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारे मर डाल दीजिएगा, फ्यू एट अ टाइम डालें और एक मिनट तक मीडियम आंच पर पकने दीजिए, सो दैट पीछे की जो कोटिंग है ना, अच्छे से जो गीली कोटिंग है वो अच्छी थोड़ी सी फर्म हो जाएगी। उसके बाद पलट दीजिएगा एक मिनट के बाद। अच्छा, यहाँ पर ना एक मिनट के बाद जब आप पलटे ना, तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, जब ऐसे पीसेस बनाने होते हैं ना, फ्राई करने होते हैं ना, मीडियम से हल्का मैं स्लो कर देती हूँ, स्लो नहीं होता है तो मीडियम और स्लो के बीच में रख देती हूँ। तकरीबन 5 मिनट उसी तरीके से मैं पका लेती हूँ हमेशा, तो अभी 5 मिनट उसे पकने दीजिए वहाँ। अच्छा, ये जो इसके अंदर मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल देती हूँ मेरी चिकन के अंदर, ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं। मुझे अभी एंड टाइम पे याद आया कि थोड़ा सा रेस्टोरेंट स्टाइल फील भी देना चाहिए, तो चलिए अब यहाँ पर मैंने मीडियम से स्लो आंच पर 5 मिनट पका लिया। 5 मिनट के बाद फिर से मैंने मीडियम आंच कर दिया, सो दैट 2-3 मिनट मैं इसे मीडियम आंच पर उलट पलट करते हुए पका लूँगी, क्योंकि स्लो से मीडियम जब रखा तो अंदर से भी तो गलना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ना, बाहर का कवरिंग लाल हो जाती लेकिन अंदर से कच्चे होते हैं। इसके लिए मैंने 5 मिनट मीडियम से स्लो आंच के बीच में पकाया था, फिर से मीडियम आंच करके 2-3 मिनट इसे पका लीजिए, सो दैट क्रिस्पी भी हो जाए, उलट पलट करते जाए। जब 2-3 मिनट और हो जाए, टोटल समझे ना, हमें सारा मिलाकर 8-9 मिनट पकाना है। जब 8-9 मिनट हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर मत रखिएगा, मैं छन्नी के ऊपर रखती हूँ हमेशा, तो इससे क्या होता है क्रिस्पी हमेशा रहते हैं, टिश्यू पेपर पे डालोगे तो सॉगी हो जाएंगे। अब इसी तरीके से बैचेस में फ्राई कर लीजिए। मेरी चिकन छोटी है तो मैंने 8 से 9 मिनट टोटल टाइम लिया है फ्राइंग का, आपकी चिकन बड़ी हो तो 10 से 12 मिनट ले सकते हैं या फिर चिकन की साइज़ के ऊपर होगा। चलिए ये देख सकते हैं आप कितनी अब खूबसूरत लग रही है, जो मैंने फूड कलर डाला है तो एकदम अब लग रही है ना कि रेस्टोरेंट में बन रहा है चिकन 65। अब आप भी चाहें तो इसी तरीके से डाल सकते हैं आपकी चिकन के अंदर फूड कलर। चलिए मैंने सारी बना ली है बैचेस के अंदर, आप देख सकते हैं, और क्रिस्पी भी माशाल्लाह बड़ी मज़ेदार क्रिस्पी आप देख सकते हैं, और कवरिंग भी एकदम परफेक्ट है, ना ही पतली ना ही एकदम मोटी, और कलर भी एकदम परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल आया है। अब हम एक क्विक तड़का लगा लेते हैं। अब एक कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर तेल डाल दीजिए थोड़ा सा, ये तेल जिसमें मैंने फ्राई किया था वही तेल है, चूल्हे को मैंने कर दिया है मीडियम आँच, अच्छा गर्म हो जाता है तेल। इसमें डाल दीजिए एक छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और डेढ़ छोटे चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। मैं 3 हरी मिर्चियों को स्लिट मार के डाल रही हूँ साबुत, और 1 हरी मिर्ची को बारीक लंबी लंबी काट कर डाल रही हूँ। इसे बार बार चलाते हुए स्लो आंच कर दीजिए और इसे पका लीजिए, आधे 1 मिनट तक ही पकाना है। थोड़े से 10-12-15 आप कड़ी पत्ते भी फ्रेश डाल दीजिए धोकर,
और इसे बार बार चलाते हुए आधे एक मिनट तक लहसुन और अदरक को फ्राई कर लीजिए। बढ़िया से अरोमेटिक खुशबू आने लगेगी तो हमारे जो पीसेस है इसे डाल दीजिए। 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए, आधा या 1 छोटे चाय का चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए और थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए कि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए। मैंने चूल्हा अभी मीडियम पर किया है और बहुत अच्छे से आधे एक मिनट तक टॉस कर ले। जब आप देखें कि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया, चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे गर्मा गर्म प्लेट में निकाल लीजिए। अच्छा, हरी मिर्चियाँ, लाल मिर्चियों का पाउडर अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा इस वाली रेसिपी के अंदर। नींबू का रस ना मैंने आधा छोटे चाय का चम्मच डाला था एंड में, क्योंकि मुझे इतना खटास नहीं पसंद है, ओवर पावरिंग वाला, लेकिन आप चाहें तो 1 छोटे चाय का चम्मच जितना डाल सकते हैं, मैंने आधा डाला था। लेकिन आप पहले डाल दीजिए, अगर आपको कम लगे तो आप ऊपर से फिर से और बेशक आधा डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकेंगे ना। वैसे ये चिकन 65 मैंने बोनलेस में भी बनाई है और थोड़ी ग्रेवी वाली बनाई है, बहुत ही मज़ेदार और बढ़िया सी बनती है। आप रुमाली या पराठे के साथ उसे सर्व कर सकते हैं, तो उस वाली रेसिपी का लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दीजिए ये वाली वीडियो को, उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।